बच्चों आप अपनी थर्ड क्लास की जीके की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18, फूड फॉर ब्रेन। जो खाना हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए, चलिए पढ़ते हैं। ये हैं ओट्स, सबसे पहले क्या है ओट्स, फिर एग, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन है, कलरफुल वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, बेरीज, होल होल ग्रेन ब्रेड है ये, पीनट्स एंड पीनट्स पीनट बटर। ठीक है, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स क्या होते हैं, राजमा, मिल्क एंड योगर्ट, मिल्क एंड योगर्ट यानी कि दूध और दही। तो बच्चों ये सब चीज़ें आपको आपको भी ज़रूर खानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नो द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बारे में क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं, ठीक है, झंडे हैं, कहाँ कहाँ के हैं, ऊपर में तो कंट्री लिखी है और नीचे में उनकी कैपिटल है, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो ऊपर हम इंडिया लिखेंगे, नीचे दिल्ली, लेकिन ये किसका झंडा है, ये है चाइना का, और चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। नेक्स्ट ये है इटली का, और इसकी राजधानी क्या है, रोम। कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी। नंबर 3 है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। नंबर 4 डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल है कॉपन हैगन। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, इसकी है कैनबेरा। नंबर 6 ये किसका फ्लैग है, ये है कनाडा का है, और इसकी कैपिटल क्या है, ओटावा। नंबर 7 ये फ्लैग है रशिया का, ठीक है, और इसकी रशिया की कैपिटल है मॉस्को। नंबर 8 ये फ्लैग है नेपाल का, और इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू। आप देखेंगे ये सबसे अलग हमारा नेपाल का झंडा है, क्यों, क्योंकि देखिए सबके सब क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, सबके सब रेक्टेंगुलर शेप में है, बस ये एक ऐसा है जो जिसमें डबल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेपाल का काठमांडू है, और ये है आपका फ्रांस का, और फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। ग्रेट इन्वेंटर्स, इन्वेंटर क्या होते हैं, जो कुछ इन्वेंशन करते हैं, यानी कि किसी चीज़ की खोज करते हैं कुछ, या फिर बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं ये कुछ अलग। तो देखिए टेलीफोन किसने बनाया, नंबर 2 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बी एयर कंडीशन बनाया, WH कैरियर ने। बाइसिकल बनाई किसने, कि पैट्रिक मैकमिलन ने। एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, इन्हें राइट ब्रदर्स कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने। टेलीविज़न, टेलीविज़न बनाया आपका JL बैर्ड ने। और रेडियो, रेडियो बनाया है जी मार्कोनी, इनका नाम जी मार्कोनी है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रेट इन्वेंटर्स हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम चैप्टर 21 पर। ठीक है, चैप्टर 21 है इंडियन हिल स्टेशंस, यानी कि इंडिया में कुछ हिल स्टेशंस हैं, काफ़ी सारे हैं, कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए शिमला, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। पंचमणी, ये है मध्य प्रदेश में। शिलांग, ये आपका मेघालय में। गुलमार्ग, ये आपका जम्मू और कश्मीर में। मसूरी, मसूरी कहाँ कहाँ पर है, ये है आपका उत्तराखंड में। माओ, माओ है आपका मणिपुर में। नैनीताल, ये भी उत्तराखंड में है। देखिए बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हर एक का बस एक ही ऑप्शन होगा, 14 ये हैं और ये 7 हैं, तो इसमें आपको डबल तिबल पड़ेगा। ठीक है, नंबर 8 मनाली, मनाली आपका पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में अगेन। माउंट आबू, माउंट आबू आपका कहाँ पे पड़ेगा, राजस्थान में। उगड़ा मंडलम, उगड़ा मंडलम पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। रानीखेत, ये भी आपका उत्तराखंड में आएगा। कुल्लू, कुल्लू मनाली तो आपने सुना ही होगा, है ना, ये आएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग आपका आएगा वेस्ट बंगाल में। लोनावला, ये आपका आएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों, और अच्छे से करना ही है।